वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डाइट के बारे में, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। आपका पेपर है टीचर एंड टीचर एजुकेशन, जो कि बीए प्रोग्राम के फिफ्थ सेमेस्टर में शामिल किया गया है NEP 20 के अकॉर्डिंग। इसमें ये टॉपिक है डाइट। इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये क्या है, क्यों इसकी स्थापना हुई, इसके काम क्या क्या होते हैं, इससे हमें फायदे क्या क्या होते हैं, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भारत में शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एजुकेशनल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य होता है प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण और विकास को सुनिश्चित करना, यानी कि टीचर्स को ट्रेन करना और एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो डाइट का गठन हुआ था NPE 1986 की सिफारिश पर, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आई थी, उसने यह कहा था कि हर जिले में, भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि हर जिले में एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। उसकी सिफारिश पर ही ये डाइट बनाई गई थी। हालांकि अभी तक भारत के हर जिले में नहीं बनाई जा सकी है, लेकिन बहुत सारी डाइट बन चुकी हैं, ताकि शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार लाया जा सके और शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट हो, साथ में एजुकेशनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इस वजह से डाइट का गठन हुआ था। डाइट बनाई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश पर SCERT ने, जो होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आपको मैंने बताया था वीडियो में कि NCERT होता है नेशनल लेवल पर पूरे देश के लिए, और स्टेट होता है SCERT होता है स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेट के लिए राज्य स्तर। अभी डाइट बनाने के उद्देश्य क्या क्या थे हम ये जानेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण, पहला उद्देश्य था इसका टीचर्स की ट्रेनिंग। अब दोनों तरह के टीचर्स की ट्रेनिंग यहाँ पर, प्री सर्विस भी और इन सर्विस भी, यानी कि जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनको भी यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। साथ में जो ऑलरेडी टीचर बन चुके हैं उनको भी बताया जाता है कि बीइंग अ टीचर वो क्या नई चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, उनके सामने जो समस्याएं आ रही होती हैं उनको वहां पर वर्कशॉप के जरिए, सेमिनार के जरिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, ताकि एजुकेशनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये शिक्षक प्रशिक्षण इसका पहला उद्देश्य होता है, शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना होता है इसको, जिससे कि वो अपने विषय में दक्षता हासिल कर सके, अपने सब्जेक्ट में उनको एक्सपर्टिज्म आ सके, और साथ में जो शिक्षण की, टीचिंग की जो लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही है उनका वो इस्तेमाल कर पाए। इसके बाद डाइट का दूसरा उद्देश्य होता है शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और उसे अधिक प्रभावी बनाना। तो डाइट सुनिश्चित करती है कि शिक्षकों को सही कौशल प्राप्त हो, सही ज्ञान प्राप्त हो, ताकि वो उसका कक्षा में इस्तेमाल कर पाए और बच्चों को सही ज्ञान मिले, अच्छा ज्ञान मिले और उनको एक अच्छी शिक्षा मिल पाए। इसके अलावा डाइट का उद्देश्य होता है शिक्षा का सर्वांगीण विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। तो डाइट विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करता है, यानी कि एजुकेशनल प्रोग्राम चलाता है ये, जिससे विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिलता है। वो ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं डाइट कि जिससे बच्चों का एकेडमिक डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा शैक्षिक अनुसंधान को भी ये लोग प्रोत्साहित करते हैं। डाइट जो होता है ये शैक्षिक अनुसंधान को, यानी कि एजुकेशनल रिसर्चेस को प्रमोट करता है ये, जिससे नई शैक्षिक तकनीकों का पता चले, नई विधियों का पता चले, उनका विकास हो सके, वो कितनी कारगर है इसके बारे में पता चले और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा डाइट का उद्देश्य होता है पारदर्शिता और समावेशिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रेसी। तो डाइट का उद्देश्य होता है एक पारदर्शी और समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना, जहां सब कुछ क्लियर हो, सबको समझ में आ रहा हो सारी चीजें, और साथ में एक इंटीग्रेटेड हो, यानी कि सभी वर्गों के बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी आर्थिक स्तर के हों, सभी को शिक्षा के समान अवसर मिल पाए, इस बात के लिए डाइट काम करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे डाइट की संरचना के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। डाइट इंस्टीट्यूट होते हैं, इनमें प्रशिक्षण विभाग होता है, पहला तो डिपार्टमेंट होता है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जहां पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, प्री सर्विस टीचर्स को भी और इन सर्विस टीचर्स को भी। प्री सर्विस मीन्स टू से वो लोग जो टीचर बनना चाहते हैं, आफ्टर 12th वो लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हैं आकर के, उनको 2 साल का कोर्स कराया जाता है, उसके बाद वो सीटेट देते हैं,
उसके बाद कहीं वैकेंसी जाती है, वहां पर लोग अप्लाई करते हैं, टीचर का जॉब उनको मिलता है। और दूसरे होते हैं जो ऑलरेडी टीचर्स होते हैं, उन लोगों को भी SCERT के अंडर ये डाइट काम करते हैं, ये लोग ट्रेनिंग कराते हैं, उनकी टीचिंग में जो परेशानियां आती हैं उनको शट आउट करते हैं, उनको नई टेक्निक जो आती है, नई जो रिसर्चेज हुई होती है उनके बारे में बताते हैं, ताकि टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा दूसरा इनका होता है रिसर्च डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे शोध विभाग। ये शैक्षिक अनुसंधान को यानी कि एजुकेशनल रिसर्च को बढ़ावा देने वाला डिपार्टमेंट होता है, और लेटेस्ट जो भी टीचिंग टेक्निक्स आई होती हैं, जो टीचिंग मेथड्स आई होते हैं, जो पॉलिसीज आई होती हैं, उनको स्टडी करता है, उनको एनालिसिस करता है। तीसरा होता है इनका स्टडी डिपार्टमेंट, ये विभिन्न विषयों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करता है, करिकुलम तैयार करता है, पाठ्यक्रम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करता है, साथ में करिकुलम तैयार करता है, टेक्स्ट बुक तैयार करता है। मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में बेटा टेक्स्ट बुक ब्यूरो की किताबें छपती हैं, जिन्हें SCERT के अंडर छापा जाता है, उनका करिकुलम डाइट ही तैयार करता है। दिल्ली में दो तरह की किताबें चलती हैं, एक तो DTBT की किताबें होती हैं जिन्हें की SCERT तैयार करता है, और दूसरी NCERT की किताबें होती हैं जो चलती हैं यहाँ के स्कूलों में। तो दो तरह की किताबें दिल्ली में चलती हैं, कुछ स्कूलों में DTBT की किताबें चलती हैं, कुछ स्कूलों में NCERT की किताबें चलती हैं। आगे होता है प्रशासनिक विभाग, ये विभाग डाइट का संचालन करता है, प्रबंधन का काम करता है यानी कि मैनेजमेंट का काम करता है। यहाँ पर छात्र अपना पंजीकरण कराते हैं, इनके रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यहाँ से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, और साथ में सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम यहाँ से होते हैं, यानी कि प्रशासनिक काम सारे के सारे प्रशासनिक विभाग से यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से होते हैं। आगे हम जानेंगे डाइट की गतिविधियां क्या क्या होती है, डाइट कौन कौन से काम करते हैं इनके बारे में, जो कि शिक्षकों और छात्रों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला तो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ही कराता है। डाइट में बहुत सारे विषय होते हैं जिन पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं इन सर्विस टीचर्स के लिए और प्री सर्विस टीचर्स के लिए, दोनों के लिए। तो ये कार्यक्रम शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम विकास और मूल्यांकन तरीकों पर आधारित होते हैं, यानी कि टीचिंग मेथड्स को एक तरह से एलैबोरेट करते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, साथ में करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और इवैल्यूएशन की टेक्निक्स पर काम करते हैं ये लोग। दूसरी होती है शैक्षिक कार्यशालाएं यानी कि एजुकेशनल वर्कशॉप्स, इनमें रेगुलरली एजुकेशनल वर्कशॉप्स यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज की जाती है, जिन्हें डाइट कंडक्ट कराता है। यहाँ पर टीचर्स को नवीनतम शैक्षिक रुझानों और तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती है, जो भी नए जो इनोवेशंस हुई होती हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में नए नवाचार हुए होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, और साथ में नई टेक्निक्स की जानकारी टीचर्स को दी जाती है। साथ में रिसर्च प्रोजेक्ट का काम करता है डाइट, विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर जो भी एजुकेशनल इश्यूज होते हैं उन पर रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट करता है SCERT के अंडर डाइट, और शिक्षा प्रणाली को सुधारने में सहायता देता है। इसके अलावा डाइट का समुदाय के साथ भी जुड़ाव होता है, डाइट समुदाय के साथ जुड़ करके शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है, बहुत से प्रोग्राम चलाता है, जैसे लिटरेसी वीक होती है इनके, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, साक्षरता दिवस मनाते हैं। इसके अंदर बेटा पहले एक चलता था एजुकेशन फॉर ऑल चला करता था, सर्व शिक्षा अभियान, आपने सुना होगा नाम, उसको यही कंडक्ट कराया करता था हर स्टेट में। साथ में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी चलाया करता था, वो चीजें अब खत्म हो गई ऑलमोस्ट, क्योंकि लिटरेसी रेट हमारा काफी हाई हो चुका है अब, तो ये सारे के सारे काम डाइट चलाया करता था। साथ में शिक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम चलाया करता था, सामाजिक कार्य चलाया करता था, ये पल्स पोलियो का जैसे था शुरुआत में जो ये हुआ था, पल्स पोलियो का प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो इसे डाइट के जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने ही जगह जगह पर पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाई थी बच्चों को। इसके अलावा जो एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाई कराइए, स्कूल भेजिए, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी डाइट चलाता है बेटे। इसके अलावा पुस्तकालय और सूचना केंद्र का काम होता है डाइट का। डाइट में पुस्तकालय होता है, सूचना केंद्र होता है, जहाँ पर शिक्षक और छात्र जो होते हैं वो लोग शैक्षिक साहित्य वहां से ले सकते हैं, संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी टीचिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। डाइट के लाभ क्या क्या है वो हम जानेंगे। शिक्षक विकास के लिए सहायक होता है डाइट के माध्यम से, शिक्षक अपने कौशल को निखार सकते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे उनकी टीचिंग कैपेसिटी में, शिक्षण क्षमता में सुधार होता है। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है, जब टीचर्स की क्वालिटी इम्प्रूव होती है तो शिक्षा की क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि डाइट जो भी प्रशिक्षण देता है, जो संसाधन देता है, उनके हिसाब से उनको इस्तेमाल करते हुए टीचर्स अपनी टीचिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है।
इसके अलावा नवीनतम शैक्षिक तकनीकों का उपयोग हो पाता है, क्योंकि डाइट जो होता है वो शिक्षकों को लेटेस्ट शैक्षिक जो तकनीकें होती हैं, विधियां होती हैं, उनसे अवगत कराता है, उनसे परिचय कराता है, उनको ट्रेनिंग देता है, जिससे उनको इस्तेमाल कर पाते हैं, अपने शिक्षण में शामिल कर पाते हैं और नई तकनीकों का इस तरीके से उपयोग बढ़ता है। साथ में समुदाय में जागरूकता फैलाना भी डाइट का काम होता है। डाइट शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने का काम करता है, लोगों में शिक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का काम करता है, ताकि लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को यानी कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए प्रयास कर सके। तो ये था बेटा डाइट का इंट्रोडक्शन। इसके बारे में निष्कर्ष के तौर पर हम कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसंधान और शैक्षिक सुधार के लिए प्रमुख संस्थान है, यानी कि ये टीचर्स ट्रेनिंग का काम करता है, रिसर्च का काम करता है और साथ में एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट का काम करता है। डाइट की कोशिशों से, डाइट के प्रयासों से न केवल शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिल पाती है। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली के ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ, समग्र विकास के साथ साथ डाइट भारतीय शिक्षा के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में भी सहायक है, क्योंकि जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आगे वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे। इस तरीके से डाइट का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है और इसका योगदान दीर्घकालिक है, यानी कि लॉन्ग टर्म इसका इंपैक्ट पड़ेगा हमारे यहाँ सोसाइटी में, और स्थायी विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है। हमारे देश के स्थायी विकास के लिए डाइट आवश्यक बन चुकी है। डाइट में एडमिशन कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं। डाइट में एडमिशन के लिए 12th पास करना जरूरी होता है, एटलीस्ट 50% मार्क्स की इसमें बाउंडेशन होती है, 50% मार्क्स स्टूडेंट के होने चाहिए 12th के रिजल्ट में। उसके बाद फॉर्म्स निकलते हैं यहाँ के, जिनको बच्चे भरते हैं। पहले शुरुआत में इसमें एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, उसके बाद बीच में मेरिट आ गया था कि जिन बच्चों के ज्यादा मार्क्स होते थे उनको एडमिशन दे दिया जाता था। उसके बाद फिर से अभी 2-3 साल से यहाँ पर एंट्रेंस आ चुका है और बच्चे यहाँ पर एंट्रेंस देकर के एडमिशन लेते हैं। इवन आफ्टर ग्रेजुएशन भी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, बीएड करते हैं, बीएड के जैसे ही बहुत से बच्चे डाइट करते हैं। बीएड करके आप 9th, 10th, 11th, 12th को पढ़ा सकते हैं और डाइट करके 8 लाख तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये कोर्सेज होते हैं अलग अलग। अगर कोई बच्चा डाइट करना चाहता है तो उसको अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। तो ये था डाइट के बारे में इंट्रोडक्शन। आपने अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।